IPS. We are really honored to have you here. Now I request first year history honors student, Ms. Somya, to initiate the proceeding. I'm Mr. Sujit, Kumar, Singh. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिला और इसके लिए स्पेशली मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट को थैंक्स बोलती हूँ कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और आप सभी को देख के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं बेसिकली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने यंग एंड वाइब्रेंट हैं और इतने एनर्जेटिक दिख रहे हैं सब लोग बेसिकली ये सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखें कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें आपकी क्या क्वेरीज हैं आप लोग क्या सोचते हैं उसी के बाद मैं अपना जो भी है कुछ बताने के लिए ऐसा होता नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए बस आप लोग जो इंटरेक्टिव इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के जो क्वेरीज होंगे उसी चीज़ को हम लोग डील करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि आप क्या जानते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हैं आप में से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं आप ठीक है तैयारी को लेके आर्स को लेके किसी भी तरह का सवाल है ठीक है मैम जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती है उसमें पर्सियन हो सकता है क्या कंपलसरी सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या पर्सियन हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या पर्सियन पर्सियन एज ए लिटरेचर ऑप्शनल ठीक है पर्सियन लिटरेचर यस मैम वी हैव टू कंफर्म एक बार देखना पड़ेगा उसको नहीं नहीं एक्चुअली आपको अब वही ऑप्शनल लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो 22 लैंग्वेजेस हैं आप उन्हीं में से ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं 22 में मतलब पर्सियन नहीं आता है नहीं बेसिकली आप मुझे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ये जो ऑप्शनल पेपर की भी हम बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं क्या क्या प्रिपरेशन की जा सकती है बेसिकली जो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है ये बताइए कि आप सिविल सर्विसेज के बारे में क्या जानते हैं सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं टॉपर्स कौन होते हैं किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कौन से मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कितने घंटे पढ़ाई करते हैं सब टाइप से जो आप सुनने को मिलती हैं आप लोगों को यानी कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि पता नहीं कैसे हैं कैसे तैयारी की होगी कैसे इतना सब बन गए हैं इस तरीके की जो परसेप्शंस हैं बेसिकली हम पहले उसके बारे में बात करते हैं कि आप लोगों का क्या सोचना है देखिए जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आप इसको मतलब समझ पाएंगे और दूसरा आप इंजॉय कर पाएंगे अदरवाइज तो फिर सिविल सर्विस जो भी यू नो
try to write that exam, who is the person who is opted as a civil servant, should be able to, you know, service for the do service for the people of the society, and should be able to interact with them and understand the problems that they are facing. And there are a lot of perceptions that it needs a lot of hard work, like you should need an 18-hour study and all. And there is a lot of perceptions about it that you should be aware of what is happening in the society, like read newspaper every day. And so you should be up to date of what is happening in the society. Okay, very good. Anything else? Come on. आप बताइए कुछ तो बताइए आप यस Very good. अच्छा ये बताइए तो आपके दिमाग में क्या परसेप्शन है कि सिविल सर्वेंट्स हैं वो किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं ह्यूमैनिटीज से आते हैं आवाज मिक्स हो गया है इसका मतलब है कि बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं ह्यूमैनिटीज से भी आते हैं अगर अकेले ह्यूमैनिटीज से आते हैं तो आपकी आवाज जो है वो यूनिफॉर्म आते हैं अब इसमें डाइवर्सिटी है तो मींस सब बैकग्राउंड से आते हैं वेरी गुड और कुछ कौन से मतलब फैमिली बैकग्राउंड से कौन किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कुछ लोग कह रहे हैं बेसिकली मिडिल क्लास से कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ठीक है इसका मतलब आपको सब पता है कि किस बैकग्राउंड से आते हैं कितने घंटे पढ़ाई करते हैं इस बारे में आप अवेयर हैं जान के अच्छा लगा मुझे कि बेसिकली आपको सिविल सर्विसेज के बारे में पता है क्योंकि इससे पहले भी मैं काफी कॉलेजेस में जा चुकी हूँ कई जगह तो मुझे ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि सिविल सर्विसेज बेसिकली होता क्या है आप सारे लोग अवेयर हैं ये जान के मुझे खुशी हुई तो ये बताइए कि जॉब और सर्विस में क्या डिफरेंस है अगर सिविल सर्विस और प्राइवेट सेक्टर जॉब दोनों में क्या डिफरेंस है पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सर्विस जॉब में क्या डिफरेंस है और वन बाय वन करके बताइएगा अगर ऐसे आप भीड़ में बोलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए समझना यस प्लीज और कोई बताना चाहेगा यस प्लीज मैडम सिविल सर्वेंट में जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जनता की सेवा और प्राइवेट प्राइवेट जॉब्स में एक एम्प्लॉई एक अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस करता है बस ये प्राइवेट में क्या करते हैं मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा होता है जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उसके लिए काम करता है मतलब सभी के लिए लेकिन एक सिविल सर्वेंट कॉमन पीपल के लिए काम करता है कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं
deal with it at that moment itself. But private job में तुम्हें एक break, even if it, if you take a government job, एक 5 बजे तक ही होता है, उसके बाद सब लोग घर जाते हैं अपना, like कोई कुछ भी हो जाए या like अपना घर जल्दी आना time हो गया, it's like that. Okay, very good. तो बेसिकली आप सभी को समझ में आ रहा है कि सिविल सर्विसेज क्या है और प्राइवेट सर्विसेज क्या है, मतलब उनमें क्या डिफरेंट नेचर ऑफ द जॉब और वर्क है. आप सभी को पता होगा कि हमारे जो रूलिंग व्यवस्था होती है, अगर हमें शासन गवर्नेंस जो करना होता है, उसके लिए हमारे पास एक सेटअप होता है. गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. आप सभी को पता है एग्जीक्यूटिव जो होती है, बेसिकली ये टेक्निकल चीज है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका रोल क्या है. आप सभी अवेयर हैं, बस थोड़ा सा आप उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में समझने की कोशिश कीजिए. तो जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव दो तरीके से होती है. आप को लगभग सभी को पता होगा जो ह्यूमैनिटीज से हैं, पोल साइंस वगैरह पढ़ी होगी, बेसिक आपने मैट्रिक तो सभी ने पढ़ा होगा. एक होता है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि हमारे मंत्री, मिनिस्टर्स और ये सब MLA MPs चुने जाते हैं, ठीक है. दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उनको चुना जाता है, मतलब उनको अपॉइंट किया जाता है. अपॉइंटमेंट बॉडी अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो हमारे पास UPSC है, और UPSC बेसिकली दो तरीके की सर्विसेज को मतलब हायर वो करती है, रिक्रूट करती हैं. एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, आप सभी ने सुना है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, जिसमें बेसिकली IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आते हैं. बाकी जो सर्विसेज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज होते हैं, like IRS है, रेलवे, ये सर्विसेज हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है. देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होती है, उसका पर्पज होता है कि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उनका काम होता है पब्लिक की जो एस्पिरेशंस है, पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, वो उन डिमांड्स को सुनते हैं. अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पब्लिक के वेलफेयर में काम करती है ना सरकार. एक मतलब एक व्यवस्था को बनाए रखने का एक सिस्टम है, मतलब जो पब्लिक की एस्पिरेशंस हैं तो उनको वो समझे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, इसके लिए सरकार होती है हमारे पास. तो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक की एस्पिरेशंस को सुनते हैं. अब वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के पास कोई हमने उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है. तो जो पॉलिसी मेकिंग है, और हर 5 साल में बदलती है सरकार, मीन्स कोई होती है कि 2 टेन्योर भी निकाल जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि 5 साल में अगर सरकार बदल रही है तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है. तो जो पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक की जो जरूरतें हैं, उनका पूरी करने के लिए जो हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, मीन्स जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो पब्लिक की डिमांड्स को जो पॉलिटिशियंस के थ्रू उनके पास आती हैं, उस पर वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है. पहली बात तो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जिसमें बस उनके पास एक आइडिया आता है उसको, कितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या पब्लिक की वास्तव में डिमांड है, कितनी वो वाइबल डिमांड है, किस वाइबल इस वाइबल डिमांड को हम कितने अच्छे तरीके से वो व्यवहार के स्तर पे भी उतर पाएगी, उस चीज़ को हम देखते हैं. उसको देखने के बाद में जहाँ पॉलिसी मेकिंग का काम है, वो भी हमारी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वही करती है. देन उस पॉलिसी को हमने बना दिया, तो जो एग्जीक्यूट करना है उस पॉलिसी को, इम्प्लीमेंट करना है, वो काम भी हमारे सिविल सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है. यहाँ तक आप सभी को समझ पता होगा, ठीक है. बेसिकली वही बात, अब जो क्वेश्चन उठता है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है बेसिकली आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज एज ए करियर ऑप्शन, ठीक है. तो आप सिविल सर्विसेज को क्यों चूज करें एज ए करियर ऑप्शन, इसके लिए देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया अभी, और काफी लोगों के अपने व्यूज थे कि प्राइवेट जॉब और सिविल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है. तो जैसा कि आपको पता होगा, नाम ही सर्विसेज हैं, सर्विसेज में सेवा करना, जब आप नेशन की सेवा करते हो, आप सोसाइटी की सेवा करते हो. निसंदेह जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी एक सर्विस आपको दे रहा है. मान लीजिए कोई मोबाइल फोन बना रहा है तो वो भी कम्युनिटी के हेल्प में ही है ना. जो भी काम हो रहा है वो बेसिक लेवल पे, मतलब लार्जर, और हम कह सकते हैं कि जो भी पर्पज है उसका बेसिकली वो यही है कि एक सेवा प्रोवाइड करना, ठीक है. वो एक स्पेसिफिक देता है, प्राइवेट सेक्टर में आपको एक स्पेसिफिक सेवा दी जाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि हम डाइवर्सिटी सर्विसेज तो वो भी है, लेकिन उस सर्विसेज का जो करने का मोटिव है, दोनों का डिफरेंस मोटिव में होता है कि दोनों का क्या मोटिव है सर्विस करने का. तो पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जब भी हम जाते हैं, तो जिस भी स्ट्रीम की आप एक्सपर्टीज होती है, आप में स्पेशलाइजेशन होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में आप काम करते हैं. अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर वाला काम करेंगे, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाला काम करेंगे. लेकिन जब सिविल सर्विसेज की बात आती है, तो सिविल सर्विसेज का
आपने सुना होगा, एक डिबेट हुआ था स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन, कि दोनों में जो बोला जाता है कि रिज्यूम आते हैं सिविल सर्विसेज के, वो जनरलिस्टिक होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता है, कि जैसे इंजीनियर रहता है उसके पास अपनी इंजीनियरिंग की स्पेशल डिग्री होता है, इसीलिए उसकी क्वालिटी को हम जज करते हैं कि कितना एफिशिएंट है कितना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन सिविल सर्विसेज में है कि सब स्ट्रीम के लोग आते हैं, जैसे आपने बताया कि ह्यूमैनिटीज से भी आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो बेसिकली वो जर्नलिस्टिक होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर काम नहीं करना होता, उनको जो डाइवर्स काम होते हैं उन डाइवर्स काम को एक साथ कोहरेंस लानी पड़ती है, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और पब्लिक स्फीयर में जो भी काम होता है उनको करना पड़ता है। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, अगर आप जैसे देखिए कोई भी ह्यूमन बींग है जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अहमियत होता है, उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक अगर उनको चाहिए तो कहाँ से मिलती है आपको? जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, बाकी जो है उनमें आप पर्टिकुलर एक सर्विस ले सकते हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ सर्विसेज हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने मोटो की बात की, अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो बेसिकली जो मोटो होता है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ का होता है, आप अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होता है उसका मोटो होता है कि पब्लिक की ग्रोथ। प्राइवेट जॉब का देखिए यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं यहाँ प्राइवेट जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, या पब्लिक सर्विसेज को मैं एक प्रकार से उसको प्रमोशन नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। मेरा पर्पज है कि आप अपने इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, कि आप किस चीज़ को आप एस्पायर करते हैं, आपका इंक्लिनेशन कहाँ है, तो मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आपको बता रही हूँ। जहाँ जिस तरीके का जो इंक्लिनेशन होगा आप उसको वैसे ही अपना एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, कि आपका जो मोटिवेशन होता है वो आपका रेमुनरेशन होता है, कितना बड़ा पैकेज आपको मिलता है, कितने बड़े आपके लिए क्या क्या प्रमोशन के चांसेस होते हैं, बेसिकली वो जो पर्पज होता है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ का होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सेटिस्फेक्शन है, अगर सिविल सर्विसेज में हम जाते हैं रियल सेंस में, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर वो सर्विस वाली फीलिंग होनी चाहिए कि आप सेवा कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि आपके अंदर जो आपका मोटिवेशन होता है सिविल सर्विसेज में वो आपका रेमुनरेशन नहीं होता है। अगर आप देखेंगे पे स्लिप, किसी सिविल सर्वेंट से मिलना, उनसे बात करना कितना मिलता है, तो इतना मिलता है कि आप सही से पूछे तो मीन्स एक नॉर्मल मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास होती है ना, उसी टाइप की एक जीवन शैली आप जी सकते हैं। बेसिक फैसिलिटीज वो अदर हैं अगर आप रेमुनरेशन की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं तो। ठीक है, तो वहाँ भी आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो होता है कि पब्लिक कितनी सेटिस्फाइड है आपसे, पब्लिकली आप क्या कर पा रहे हो, वो आपका सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये जो दोनों सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, दोनों में डिफरेंस होता है। अब जिसका जो इंक्लिनेशन है उसको वही अपना एज ए करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो बेसिकली सबसे पहले आप जिस एज में आप यूथ हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज एज ए करियर ऑप्शन चूज करेंगे, तो आप सबसे पहले अपने अंदर वो सर्विस वाले वैल्यूज हैं आप उनको इंकल्केट कीजिए। कुछ कार्डिनल वैल्यूज होते हैं सिविल सर्विसेज के, जैसे इम्पार्शियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पैथी है, सेंसिटिविटी है, इस तरीके के जो वैल्यूज हैं आप सोच पा रहे हैं, कंपैशन आपके अंदर है, इस तरीके के जो वैल्यूज हैं उनको आपको कैरी करना होगा, उनको आपको अपने अंदर इंकल्केट करना होगा। बेसिकली देखिए, आप जब भी किसी जॉब में जाएंगे, जैसे प्राइवेट जॉब में जाते हैं आप, तो आपको एक पर्टिकुलर सर्विस देना होता है और उसका एक पर्टिकुलर टाइप आपका कस्टमर होता है। लेकिन जब आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो आपके हर स्टेटा के लोग आपके कस्टमर्स होते हैं, मतलब लोअर कास्ट से लेकर अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, हर स्टेटा के लोग जो है आपके कस्टमर्स हैं, तो आपको सबके सेटिस्फेक्शन का ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपका जो डाइवर्स नेचर है उसी के अकॉर्डिंग, जितने आपको एक बात सुनी होगी कि सिविल सर्विसेज में पावर बहुत है, सुना है? बेसिकली ये भी देखो, पावर थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है, बेसिकली उनके पास अथॉरिटी होती है, एक लीगलाइज पावर होती है जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, और जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हमारे घर परिवार में हम देखते हैं अपने जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि घर में पावरफुल कौन होता है, मम्मी पापा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जितने वो पावरफुल में, जितने उनके पास अथॉरिटी होती है उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं लोगों के पास होती है। इस बात को समझा है कभी आपने?
हम बोलते हैं कि पापा सारी अथॉरिटी दिखाते हैं घर में सारा काम, उन्हीं के पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे सिस्टम को कैसे गॉन करना है, कैसे चलाना है, कैसे बच्चों की पढ़ाई मैनेज करनी है, कैसे घर को फिनेंस को मैनेज करना है, कैसे रिलेटिव्स को मैनेज करना है। तो जितनी पावर आती है उसके, जितनी अथॉरिटी आती है उसी के साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आती है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है, ये सुना है क्या आपने? क्या सुना है? कितनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है? मेरे हिसाब से सुना हुआ है कि अच्छी सी गाड़ी मिलती है, अभी तो लाल बत्ती भी नहीं है, वो भी हटा दी है गवर्नमेंट ने। बेसिकली एक लाइफस्टाइल तो होती है, लेकिन वो लाइफस्टाइल क्या है, वो आपकी सर्विस है, आप कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी डेजिग्नेशन है जिसपे आप डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, अगर मैंने बताया सैलरी के बेसिस पे आप जाएंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज में वो पैकेज नहीं है। सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं एक रिकॉग्निशन के लिए, एक सोशल प्रेस्टीज होती है, एक रिकॉग्निशन होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप में वो ओरिएंटेशन है, सर्विस ओरिएंटेशन है, उसके लिए आप वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो एज ए करियर ऑप्शन अगर आप इसको चूज कर रहे हैं तो बेसिकली आप पहले अपने उन वैल्यूज को इनकल्केट कीजिए और अपने अपने माइंडसेट को देखिए कि आपका क्या माइंडसेट है। आप सर्विसेज में जाने और जाके वहां पे काम कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि कितना भी लुक्रेटिव जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जितना भी पावर है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेकेंडली आपका जो जॉब है, यहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने बताया कि 24/7 का जॉब है, ये बिल्कुल सही बात है, 24/7 का जॉब है आपका, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको वहाँ पे आ सकते हैं, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होए। न्यूज़पेपर बिकॉज ऑल द आर्टिकल्स बट मेनी थिंग्स लुक लाइक दैट इंपॉर्टेंट, हाउ टू बाइफरकेट दैट व्हिच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। एंड मैम माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट मैम हाउ टू मेक द नोट, बिकॉज आई रेड एनसीईआरटी बुक, सम ऑफ द एनसीईआरटी बुक, and look, it looks like that everything is important. So how to bifurcate that what should be studied for the from the perspective of examination? जो पहला क्वेश्चन है आपका न्यूज पेपर के लिए, तो मैंने कहा कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक्स पता चलेगा, स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लगता है कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट होगी, ये भी इम्पोर्टेंट। एक टाइम में जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर, देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, उससे पहले उसका देख लीजिए उसके क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो काफ़ी हद तक तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सोल्व हो जाएगी, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक ही इवेंट चल रही होती है, कोई भी है, उसी में रोज़ डिफरेंट डिफरेंट लोग उस पर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो बेसिकली जब भी आप आर्टिकल पढ़ें तो एक चीज़ फोकस कर सकते हैं, लास्ट में आर्टिकल लिखने वाले का इंट्रोडक्शन होता है थोड़ा सा कि वो बंदा किस बैकग्राउंड से कैसे है, तो कभी भी पढ़ने से पहले आप उसको थोड़ा देख लीजिए तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। समटाइम्स होता है ना, अगर कोई भी पॉलिटिशियंस लिख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर लिखता है, अगर कोई भी स्कॉलर लिख रहा है, प्रोफेसर लिख रहा है, आइडियोलॉजी उनकी भी हो सकती है निसंदेह, लेकिन वो समवट हम सोचते हैं कि वो बायस्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी आप आर्टिकल पढ़ें उससे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि किस बनने के बारे में। दूसरा है कि कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं, आपको डेली जैसे मान लो एक टॉपिक है उसके बारे में आपको पता चल गया है क्या है, तो डेली उस पर पढ़ने के बजाय आप उसमें से सेलेक्टेड चूजी होकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मान लीजिए अगर रिजर्वेशन का मुद्दा आ रहा है तो हर दिन आपको 4-5 आर्टिकल उस पर मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ पेपर में, तो अगर आप 2-3 आर्टिकल में पढ़ लें तो सफिशियंट आपको एक समझ आ जाती है, ठीक है। और आपका फोकस बस यही होना चाहिए, ना तो आपको पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बेसिक फंडामेंटल ये है, उसके बाद में उसके प्रोज क्या है कॉन्स क्या है, बस, क्योंकि एग्जाम है इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, आपको आपकी आइडियोलॉजी आपकी ओपिनियन और ये सब नहीं पूछा जाता है, तो आपको किसी भी टॉपिक को देखने का उसका प्रोज एंड कॉन्स उस दोनों चीज़ों को देख लीजिए। और नोट्स बनाने के लिए देखिए एनसीईआरटी को पहले आप 2-3 बार पढ़िए, आप जब नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम्पल वाली चीज़ों को छोड़ सकते हैं, एनालिसिस वाली चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों के आप नोट्स बनाइए, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट बस उनके नोट्स बनेंगे, बाकी एनसीईआरटी में जो चीज़ें होती हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे और बहुत समझाने के तरीके से लिखी होती हैं, तो आपको हर चीज़ को नहीं लिखना है, उसका नोट्स बनाएंगे तो आपका एनसीईआरटी से ज़्यादा बल्कि नोट्स हो जाएगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर वगैरह का नोट्स बनाने के लिए भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं
तो एवर नोट पे वन नोट पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में पढ़ते हैं तो उसका दो फायदा है, कोई भी टॉपिक है आप उस टॉपिक को रखिए और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है जितना भी आपको प्रोज, मैंने बताया पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो क्या टॉपिक है किस बारे में है, देन उसके प्रोज एंड कॉन्स के दो कॉलम होने चाहिए जहाँ भी आपने पढ़ा कोई एक पॉइंट जहाँ से आया, क्योंकि अगर पूरे आर्टिकल में एक ही बात होती है तो आप बस उसको नोट डाउन कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, तो आज आप लोग टेक्नोलॉजी के उसमें हैं आप उसका लिंक सेव कर लीजिए कि इन फ्यूचर मुझे कभी भी पढ़ना होगा तो आप सीधा उस लिंक पे जाके उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कई बार आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हर पॉइंट अपने आप में हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको आर्टिकल को लिखेंगे या आप उसको हार्ड कॉपी में रखेंगे तो एक टाइम के बाद में आपके पास इतना बड़ा नोट्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करना दिक्कत होगा। तो बस जस्ट आप उसका नाम उसका लिंक देख लीजिए, उस लिंक को आप सेव कर लीजिए कि इन फ्यूचर जब भी उस टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो आप उस लिंक से डायरेक्टली जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। पाँच से छह लाख बच्चे उसके लिए एंट्रेंस देते हैं, तो मैम हम उसकी तैयारी कैसे करें कि हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, इफेक्टिवली तैयारी कैसे करें उसकी? मैंने बताया ना कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी होती है, पढ़ना सभी को वही होता है, बस आपको एग्ज़ाम की जो डिमांड है जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी आप लगा सकते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है वो आपको क्लियर कट आपको पता होना चाहिए ताकि जो उसके जितने भी आपके पास ऑप्शन आए आप उनको कर सकते हैं। देखिए कोई क्लियर कट वो नहीं होता है कि आप इस तरीके से करेंगे, तो बस ये कि कंसिस्टेंसी के तहत तैयारी करें और प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी टेस्ट पेपर आते हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। यूपीएससी के लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए क्या ट्रेंड्स है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जब आप एक बार उनको देखेंगे और तब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका एक ओरिएंटेशन रहेगा कि अच्छा मुझे किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक हमारे पास पढ़ रहा हमने उसको बहुत इन डेप्थ जाकर पढ़ लिया, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो कैसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, और आपको तभी पता चलेगा जब आप 10-15 ईयर्स के यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी टॉपिक को कैसे देखा जाता है, किस नज़रिए से यूपीएससी को देखता है, देन आप उसको करेंगे।